पूज्यश्री जय सिद्धनान। प्रतिक्रमण से हम अपने दोषों को तो दूर करते हैं, परंतु जो सामने वाला जो दूसरा विरोध अभ्यास वाला है, विरोधी भाषा है उसकी, तो उसके दोषों को हम प्रतिक्रमण से कैसे ठीक सही कर सकते हैं? कैसे हमें मालूम लगे कि भाई उसके जो व्यवहार हैं वो हमारे प्रति या बदले हैं या नहीं? यानी सामने वाला, हमारा दोष को तो हमने माफ़ी मांग ली, पर उसके प्रति, उसका हमारे प्रति द्वेष है, उसकी बात पूछते हो? जी हाँ, तो हमारे तरफ से बंद कर देने का, और उसके प्रति जितनी भी बार हमें दिखाई देता है कि मेरे ऊपर उसका द्वेष है, उसका अभाव है मेरे प्रति, उस टाइम पे वापस प्रतिक्रमण करने का, यादव को बोलने का, और कैसे प्रतिक्रमण कराने का कि हे शुद्धात्मावान भाई साहब को मेरे निमित्त से अभाव होता है, द्वेष होता है, क्रोध होता है, और निमित्त के मेरे निमित्त से होता है, वो निमित्त बनने के वजह से उनको ये द्वेष परिणाम रहता है, उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा करो, मेरे निमित्त से किसी को भाव बिगड़े न, ऐसी कृपा करो, प्रार्थना और प्रतिक्रमण करने का। अच्छा, तो ये, और जितनी बार इसे दिखाई दिया याद आया वो आदमी, उतनी बार वापस प्रतिक्रमण करके मेरे निमित्त से भी उसको ये दोष नहीं होने चाहिए, ऐसी भावना और प्रतिक्रमण करने का, हो रहा है उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, मेरे निमित्त से किसी को भी ऐसे भाव न बिगड़े, बात पूरी हो गई, समझ में आया? हमें क्या हो जाता है, देखो मैं इतना एडजस्ट होता है तो भी सुधरता नहीं, और भी आक्षेप देते ही रहता है, चिढ़ते रहता है, तो ऐसे नहीं देखना है कि नहीं मेरे निमित्त से उसको ये भी नहीं रहना चाहिए, मैं तो उनके ऊपर राग द्वेष नहीं करना है, दोषित देखना ही नहीं, और उनको भी मेरे प्रति होता है, वो भी उनसे छूट जाए, ऐसे भगवान को प्रार्थना करेंगे। जय सच्चिदानंद। पूज्य श्री जय सच्चिदानंद, विजय शंकर राय, लखनऊ। हाँ बोलिए। दूसरों के दोष नहीं देखना ये पता है, फिर भी जब कभी अपने ऊपर आक्षेप आता है तो उसका असर हम लोगों को हो जाता है, आपको कोई असर नहीं होता? एक्चुअली आपको, मुझे भी असर होती थी, मगर धीरे धीरे समझ गया कि भुगतता है उसकी गलती, और हुआ सोनिया है, अभी मैं दीपक को असर होती है, इससे पहले जुदा रखा, दीपक तुझे असर हुई, तेरी गलती है क्या, तक मैं सच्चा हूँ, ये अहंकार है तो आक्षेप आएगा तुम झूठे हो, तो तुरंत समझ लेगा हो मैं अहंकार की सीट पर बैठा है, कुदरत ने उठाया, चलो शुद्धात्मा की सीट में वापस, और सच्चा झूठा सब रिलेटिव, और वो सही कर रहा है, मुझे असर क्यों होती है, तो मेरा अहंकार है, अहंकार खत्म हो गया तो मुझे असर नहीं होगी, तो ज्ञान से मैं गया, निमित है, निर्दोष है, वो शुद्धात्मा जुदा, चंदू का भरा हुआ माल है, और दीपक का रिश्ता में हिसाब में आ गया, और दीपक का असर हुई तो मैं उसको अज्ञान मान्यता सुधार के राइट रिलीफ में बिठा दिया कि तू इधर बैठ, अभी वो पराई सीट में मत बैठ, तो मैं तो अपनी जगह पे रहा, और दीपक को भी शुद्धात्मा की सीट में लेके आया, तो फिर भोगवटा भी चले गया, और निमित के साथ प्रेम रहा, कोई दुख रहा नहीं, ध्यान से जाएंगे तो सॉल्यूशन भी आएगा, दोष भी खत्म होते जाएंगे, समझ में आया आपको? हाँ। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। बोलो। वसुधा जैन अमरावती। 2010 में मैंने ज्ञान लिया था, और उसके पहले कुछ क्लेश की फाइल थी फैमिली के अंदर, तो मैंने उसका प्रतिक्रमण किया, तो मुझे उसकी कुछ असर नहीं होती, लेकिन वो जब भी सामने आते हैं वो पहले की तरीके से कुछ बातचीत नहीं होती, तो क्या वो फाइल पेंडिंग में रहती है? नहीं, अभी वापस ट्राई करने की, जितना नॉर्मल सब बुरी तो व्यवहार बंद कर दिया। हाँ। अच्छा व्यवहार शुरू नहीं होता है तो ऐसे सहज भाव से रहो, कुछ प्रोग्राम में आ गए तो कैसे हो बेन जी, सब अच्छा है, तबीयत अच्छी है, दो चार वाक्य बोलने का, धीरे धीरे बीच में का दीवार छूट जाएगी भेद की। उन्होंने आना जाना ही बंद कर दिया है तो कोई बात नहीं, अभी प्रतिक्रमण करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि इनको भी शांति रहे और कोई व्यवहार में राग द्वेष न रहे, ऐसी कृपा करो, भगवान को प्रार्थना करके बात पेंडिंग रखो, जब तक नहीं सॉल्यूशन आता है तो हम प्रार्थना और भाव रखेंगे, दूसरा कुछ क्या करो, कैसे करो, क्यों ऐसे करती है, कभी सुधारने जाए, कुछ नहीं करना है, हमें सहज भाव से रहेंगे, संजोग मिलेंगे और बातचीत होके नॉर्मल व्यवहार हो जाएगा, हमारे तरफ से नए स्पंदन फेंकना बंद हो गया, धीरे धीरे उनके पुराने जो असर में से मुक्त हो जाएंगे तो ये नॉर्मल व्यवहार आ जाएगा, समझ में आया आपको? हाँ। मेरा प्रश्न उसमें लिखा हुआ है। क्या नाम आपका? राम शरण दास गोयल। हाँ, सदगुरु की कृपा से आपका ज्ञान मिला, धन्यवाद। प्रश्न यह है, सुनते समझते हुए भी अपेक्षित बदलान
प्रगति नहीं हुई, फाइलों से व्यवहार में फिट क्या लिखा है, टकराव हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, ये राम शरण दास को हो जाएगा, राम शरण दास को बोलने का प्रतिक्रमण करो और वापस, क्योंकि हमारा विज्ञान समझने का भाग में है जी। वर्तन का वो पुरानी जो समझ थी, पुरानी अज्ञान मान्यता थी, उसका फल रूप से आज वर्तन हो रहा है। तो वर्तन सुधरे या न भी सुधरे, हमें भाव सुधारना है, बिलीफ और जागृति रखनी है। और वर्तन की गलतियाँ, हमारे पास भूल, बिना भूल वाली समझ है जी। और भूल वाला वर्तन है। तो भूल वाली वर्तन को भूल बिना वाली समझ हाजिर रखेंगे कि ये गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और प्रतिक्रमण कराएंगे सामने वाले के शुद्धात्मा के पास। एट रैंडम रिएक्शन होता था। हाँ, एट रैंडम रिएक्ट कर लेते हैं। हाँ, नहीं लगता। हाँ, मगर ये जब थोड़ी देर के बाद मालूम हो जाएगा कि गलती हो गई है, तो प्रतिक्रमण कराने का, और ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए ऐसा निश्चय करने का, तो पुराने दोष कम होते होते खत्म होंगे। जिंदगी पूरी जा रही, हो नहीं पा रहा जी, आप कुछ जादू करो। नहीं, मगर ये जिंदगी में जो बीज सुधार लिया वो सबसे बड़ा है। अच्छा, बाकी ये शक्ल नहीं सुधरेगी, ऐसी रहेगी। ये बाल अभी काले नहीं होंगे, धोले ज्यादा सफेद ज्यादा होते रहेंगे, पर कोई चले भी जाएंगे, उसको जो रहना है तो रहे, चले जाना है तो चले जाना है। हम ये स्वरूप नहीं है। मेरी जिंदगी नहीं है, अभी जिंदगी है राम शरण दास जी की। आप तो शुद्धात्मा शाश्वत हो गए, अभी उसमें रहो। ये तो आपने कर दिया। हाँ, उसमें रहना, अभी इसको सुधारने मत जाओ। ये तो जो भी है आसपास वाले सुधारेंगे तो सुधर जाएगा, हमें नहीं सुधारना अभी, हमें तो संभाव से निकाल कर। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। पूजी श्री, जय सच्चिदानंद। स्वाति बनारस, जो प्रश्न मेरा था उसका उत्तर कल मिल गया, मगर उन कल के टॉपिक और आज के टॉपिक को मिला के एक ही प्रश्न है। जैसे कल आपने किसी को जवाब दिया था कि बेटी अगर माँ के साथ नहीं मिला के चलती है तो आगे उसको ससुराल में प्रॉब्लम होती है, एक ये कल का क्वेश्चन और एक आज का सेवा भाव का है। आपने आज बोला कि माँ बाप की सेवा करिए और सास ससुर की सेवा करिए, तो इन दोनों प्रश्नों में, मतलब इन दोनों बातों को मिला के मेरा एक ही प्रश्न है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सेवा भाव रख रहे हैं, हम पूरी सेवा कर रहे हैं, हम माता पिता से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कभी चीज़ें उल्टी होती हैं व्यवहार में। कभी कभी होता है जैसे कि हमेशा माँ बाप सही होते हैं, मगर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो उल्टा चीज़ें होती हैं उनकी, जैसे कि सेवा भाव हमने की और उनके मन में एक अहंकार या कुछ आ जाता है कि ये तो मेरी हर बात मानती है या तो मेरा ये हर बात मानता है, तो ऐसे में वो चाहते हैं कि जो उनकी गलत डिमांड्स हैं वो भी मेरा बच्चा या ये पूरी करे, तो ऐसे में कौन सा भाव रखना चाहिए और कैसे इसका निकाल करना चाहिए, क्या करना चाहिए? गलत भाव में क्या है कि बोले होटल में लेके जाओ खाने के लिए, तो लेके जाने का नहीं। जैसे एक कल प्रश्न था कि किसी ने पूछा था कि उनकी भाभी और उनकी मदर के बीच में चीज़ें होती हैं, तो जैसे इन लॉज को या पेरेंट्स को रहता है कि ये मेरा ही घर है और मेरा ये स्वामीपत आधिपत चले, जो नया आ रहा है उसको ना मिले, तो कहीं ना कहीं कितना भी आप कोशिश कर लीजिए सेवा करने का, बात मानने का, 50 बार अगर आप कोशिश करोगे तो 10 बार आपके मन में वो भाव बिगड़ेंगे कि ये तो हर समय पीछे पड़े रहते हैं, तो ऐसे में कैसे सुधारने का? उसमें दो उपाय है। एक तो अभी एक आप है व्यक्ति, सब बेटी है, मम्मी है और भाभी है, तो मम्मी बताए कि भाभी को ये बोल देने का, ये कर देने का, ऐसा करो, इसको ये मत दो, ये मत करो, तो आप बोले मम्मी मुझे जितना होगा उतना करूँगी, मुझे तो ऐसे कोई तकलीफ नहीं है, मैं भाभी से प्रेम से रह सकती हूँ, तू समझती नहीं, तू ऐसे ही करती। हाँ मम्मी, जितना हो सके उतने करूँगी, तुम्हारी अपेक्षा आधार से जितना होगा उतना करूँगी, ऐसे एक बोलो। दूसरा, मम्मी को, शुद्धात्मा को प्रार्थना करो कि भाभी के प्रति जो राग द्वेष है उनके छूटे, नॉर्मल व्यवहार होए, खुद की बिगाड़ रही है, खुद के अवतार बिगड़ेंगे उससे, और भाभी है तो उसको भी ज्ञान मिले प्रार्थना करने के, ये भी सत्संग में आए। मगर हम मम्मी जितना बताएंगे इसके साथ ये बोल दो, उसके साथ ये झगड़ा करो, इसको ये मत दो, तो बोलने का जितना होएगा उतनी करूँगी, ये बराबर ठीक नहीं लगता है, तो ऐसे पेंडिंग रखो। मम्मी तू बस तू गलत है, इसे बंद कर, ये भी नहीं कहना है, और मम्मी ने कहा ऐसा भाभी के साथ भी व्यवहार नहीं करना है, पेंडिंग रखेंगे, अभी मुझे अच्छा नहीं लगता है, अभी मुझे सोचूंगा बाद में मैं करूँगा, ऐसे करके छोड़ दो।
तो पोजिशन ऐसा होता है कि जो फाइल फाइव है जिनसे मतलब जन्म मिला है वो बहुत चिकनी है, मतलब है तो माँ मगर हाँ मदर की बात है, और द्वेष इतना ज़्यादा उनको होता है कि जैसे क्या है ना कि बहुत प्रेम भाव रखती हैं सब कुछ है मगर चलते फिरते टोक देंगी, ये क्या पहना है, ये क्या कर लिया, वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। और ज्ञान लिया हुआ है उन्होंने मुझसे पहले, उनके ही निमित्त से मुझे ज्ञान मिला है, मगर बात समझ नहीं आती कि इतना ज़्यादा द्वेष, मतलब माँ बहुत क्लोज रिलेशन है और ऐसा नहीं कि कोई गलत भाव से उनका है, उनको मतलब लगता है कि सब मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें चलें, मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ रहे, तो ऐसे में कितनी कोशिश करती हूँ पर टकराव हो जाता, शुद्धात्मा का ज्ञान, पांच आज्ञा सब कुछ रखने के बावजूद वो चीज़ें टकराव इतना बुरी तरीके से होता है कि हर दो दिन हर चार दिन पे छोटी छोटी एकदम छोटी छोटी बात पे उनका द्वेष भाव रहता है जबकि उन्होंने ज्ञान लिया हुआ है। तो ये क्या चीज़ें हैं और कैसे निकाल किया जाए? ये क्या है कि अत्यंत राग वाला है आपके साथ ही साथ, बहुत राग राग में से द्वेष हुआ है। अच्छा। राग में किसी अपेक्षा होती है कि ये लड़की ऐसी रहे, सेफ साइड रखे, ये न करे जोखिम है बाहर, ये लोग लड़के के साथ इतना न करे, इतना करे, सब उसको ओवर अपेक्षा है आपके प्रति, और अपेक्षा में आपके प्रति वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो उनको द्वेष हो जाए, तो समझती नहीं, चली कर ये कर वो मत कर। तो ये समझना चाहिए कि ज़्यादा राग है, अभी आप अंदर से जुदा रखो, पहले फाइल वन जुदा है, स्वाति जुदा है, मैं शुद्धात्मा हूँ, स्वाति को बोलो ये फाइल है राग वाली, संभाव से निकाल करना है। और ये जब आक्षेप आया कुछ बोली तो स्वाति को बोलने बस मनमानी ही करती है, अपने धार्यू करती है, मेरे पर कंट्रोल रखती है, तो कि नहीं ये फाइल है व्यवस्थित के बाहर नहीं होगा, हमारा हिसाब पूरा करती हूँ मैं, ऐसे रखना है। और एक सूक्ष्म बात बताता हूँ कि ये प्रकृति अभी उनके साथ एडजस्टमेंट तो लेना है, भाव बिगड़ गए उसके प्रतिकरण करो और धीरे धीरे एडजस्ट लेते जाओ, हमारे दोस्त टूटते जाएंगे, अहंकार, हमारी मनमानी करना, आग्रह पकड़, हमारा ओपिनियन, हमारा मोह, सब बहुत टूटेगा इनको साथ एडजस्टमेंट लेते लेते। और एक आगे की बात ये समझना है कि इनकी जो प्रकृति है वो हमारे में भी हम है क्या, हम ऐसे करते हैं किसी को दुख देते थोड़ी, थोड़ी बहुत, तो वो हमारी प्रकृति को सुधारो, कही मैं मेरी शक्ल नहीं देख सकती हूँ आईना के बिना, तो मेरा आईना मेरी मम्मी, मेरी प्रकृति को देखने के लिए मुझे कुछ चांस मिलेगा, मैं खुद का प्रकृति नहीं देख पाती तो मम्मी के आधार से मेरी प्रकृति देखूँ, मम्मी के लिए प्रार्थना करो कि इनकी ये दोष निकल जाए, जागृति मिले, उसको ऐसे संजोग मिले, उसको निमित्त मिले, सच्ची समझ मिले, दोषों से मुक्त हो जाए। और हमारे लिए ऐसी गलती मैं कहाँ करती हूँ वो चेक करके निकालो अपनी गलती। और ये हो जाता है ना पूजश्री कि जो वो चाहती हैं कि मैं ना करूँ वो खुद वो उनसे हो जाता, हो जाता है वो भी, तो, समझ लो कि भरा हुआ माल है वो, उनका ज्ञान पकड़ो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू पकड़ो कि नहीं सही आपकी बात, आप क्यों करते हो, हम आक्षेपबाजी नहीं करनी है क्योंकि हमारी बुद्धि चालू हो जाएगी, देखो वो तो करती है मुझे कंट्रोल करती है, उसको भी बताने का मम्मी तुझे ख्याल में आता है ये हो जाता है, तो तुम प्रतिक्रमण करती हो ना, जागृति रखनी है, हम प्रेम से हमें फ्रेंडली बात करते हैं तो धीरे धीरे मोह भी डिजॉल्व होते जाएगा, फ्रेंडली रिलेशन से प्रेम भी बढ़ेगा और दोष में से हम मुक्त होते जाएंगे, उनको भी दोष से छुड़ाना है हमें भी दोष में से मुक्त होना है। उनकी अभी अभी अपेक्षा जब ज़्यादा हो जाती है तो हम अपसेट हो जाते हैं, क्यों इतनी अपेक्षा रखते हो, क्यों इतना मोह करती हो, वो नहीं होना, ये मनी यानी स्वाति के ऊपर है मेरे ऊपर नहीं है, स्वाति हमारा हिसाब है राग द्वेष का पूरा करो, संभाव से निकाल करो, हमें वो जो सफोकेशन में नहीं आना है कि इतना क्यों हमारे पर मोह करती है, कभी कभी बहुत हो जाता है, हाँ हो जाता है, तो स्वाति को होता है ऐसे रखने का, स्वाति ये मोह है जैसा तो कम करेगी मोह तो भी आपको दुख रहेगा, हाँ ज़्यादा करती है तो ज़्यादा करेंगे तो भी दुख रहता है, तो ये फाइल है पूरी करते हैं। और जब स्वाति के ऊपर होता है ऐसे जागृति रखोगे तो आपके ऊपर बोझ 0% हो जाएगा। ये ज्ञान रहता है कि जैसे कर्मफल है इन्हें निकाल करना है, पर कभी कभी दुख हो जाता है कि क्यों इतना ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा होता है, तो मतलब इनका प्रतिक्रमण बहुत ज्यादा करना है। हाँ नहीं ज्यादा करना नहीं, समझ लेना ये प्रकृति है, हाँ। जैसे गुलाब का फूल रहता है तो कंटक भी रहते हैं, तो फूल के साथ व्यवहार करना है, कांटों को बाजू पे रखना है, मतलब इग्नोर नहीं, प्रकृति के दो पार्ट देखो कि ये नीम का पेड़ है तो इसमें छाया अच्छी है, हेल्दी बनाएगी, और स्वाद उसका कड़ू है, दोनों देखो, तो इनके पॉजिटिव भी देखो मम्मी के, नेगेटिव भी है, नेगेटिव के लिए प्रार्थना करो कि निकल जाए तो अच्छा है, पॉजिटिव है उसके संभाव से निकाल करो, राग द्वेष में नहीं रहना हमें। धन्यवाद पूज्य सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ जी बोलिए। मैं अविनाश ढोक आरवी। हाँ कल आपने सत्संग में कहा था कि किसी जीव को दुख देने से उनके अंदर बैठे भगवान को दुख होता है, लेकिन
भगवान तो वितरागी है, जो शुद्धात्मा है उन्हें सुख दुख टच नहीं होते, तो ये कैसे? एक्चुअली क्या है, भगवान तो मूल स्वरूप वितराग है, मगर उसकी बिलीफ क्या है कि मैं ही चंदू हूँ, तो मैं ही चंदू, आप चंदू को शरीर को धक्का मारोगे तो उसको लगता है मुझे धक्का मारा, चंदू निकम्मा आदमी है बोलोगे तो उसको लगे मुझे निकम्मा कहा, तो उसकी रॉन्ग बिलीफ। वो आत्मा यानी क्या है कि विभाविक आत्मा है, जैसे दारू पिया हुआ आदमी है, एक चंद नगीन दास सेठ है और दारू पिया, वो क्या बोलेगा, मैं सयाजीराव गायकवाड़ हूँ, मैं इंडिया का प्रेसिडेंट, कुछ न कुछ बोलते रहेगा। तो ये हम उसको बोलेगा तू क्यों आवाज़ करता है कि ये, तो ये हम इंडिया का प्रेसिडेंट को हम गाली देते हैं, उसको डांटते हैं कि चंदूलाल सेठ को डांटते हैं, नगीन दास सेठ को डांटते हैं। दारू पीने वाला उसको असर हो गई है, असर के वजह से बोलता है मैं सेठ प्रेसिडेंट हूँ, तो ऐसे ये भी बोलता है कि मैं चंदू हूँ, मगर मूल खुद आत्मा है, उसको अज्ञानता से वो मानता कि मैं चंदू हूँ, तो विभाविक आत्मा बोला जाता है। तो वो आत्मा को ही दुख हुआ, मगर मूल आत्मा को नहीं, बिलीफ वाला आत्मा उसको दुख पहुँचता है, उसकी बिलीफ की छेद होने से दुख पहुँचता है, या उसका व्यवहार को गुनहगार देखने से दुख पहुँचता है। तो उसको दुख मत पहुँचो, ऐसे जागृति रखो, वो भी भीतर में शुद्ध आत्मा है, ऐसे समझ लो। उसको अज्ञान है वहाँ तक, वो देहाध्यास में है, उसको भी ज्ञान हो जाएगा तो आत्म जागृति में भी आ जाएगा, कर्म मुक्त होके मोक्ष भी जा सकता है। वही आत्मा तो है, मगर दो प्रकार के आत्मा बोला जाता है, एक मूल आत्मा है, दूसरा व्यवहार आत्मा। तो व्यवहार आत्मा को दुख पहुँचता है, समझ में आया? छोटा प्रश्न बिल्कुल। महावीर भगवान ने सब कर्मों का संभव से निकाल किया, आखिरी में जो जो भी कर्म आए उनके सब का संभव से निकाल किया, तो लेकिन उन्होंने जो गृहत्याग किया था, गृहत्याग पत्नी और बच्चे छोड़ दिए थे, उनको क्यों वो दुखी हो गए होंगे? वो भी उदय कर्म था उनका, उदय कर्म था, टाइम आ गया, ये पेड़ में से नहीं फ्रूट गिर जाता है ना, तो कोई गिराता नहीं, अपने आप गिर जाता है, क्योंकि वो हिसाब पूरा होके गिर जाता है, तो ये भी गिर गया, उनका हिसाब पूरा हुआ था, उन्होंने त्याग किया नहीं, उदय कर्म त्याग का आया था, क्योंकि ममता पूर्वभव में जितनी थी इतना हिसाब वाइफ के साथ हुआ, और हिसाब पूरा होके वाइफ छूटा हो गई, खुद छूटे हो गए, कर्तापन उनका खत्म हो गया, जन्म से ही नहीं कर्तापन था उनको, त्याग का कार्य उन्होंने किया नहीं, उदय कर्म आया उनका। लेकिन वो तो दुखी हो गए होंगे ना? वो फिर भी उनको कर्म बनेगा नहीं, क्योंकि वो कर्ता नहीं थे, वो हम मानते हैं कि दुखी होंगे, वो तो उनको समाधान पूर्वक सॉल्यूशन लाए, अभी डिटेल हमारे पास बात नहीं है, पर वो मोक्ष मार्ग में उनको बाधक हुआ नहीं, केवल ज्ञान पाए और मोक्ष भी गए। तो ये कर्ता भाव से कर्म बंधन है, मैं त्याग करता हूँ, त्याग करता नहीं थे, उदय कर्म जैसे एक टिकट रहती है और कवर है, गम बीच में ख़त्म कर दिया, कितना टिकट चिपक के रहेगी, ये गम उनका ख़त्म कर दिया था, टिकट को हिलाया नहीं था उन्होंने, समझ में आता है? ये राह, ये क्या है, हम त्याग करते हैं बस टिकट को खींचने जाए फट जाएगी, और जब गम पिघल लिया टिकट अपने आप छूटेगी, छूटा हो जाएगी कवर से, तो ये मोह ख़त्म कर दिया था उन्होंने, राग द्वेष ख़त्म कर दिए थे, तो इसके साथ वाइफ के साथ संबंध छूट गए। जय सच्चिदानंद। प्रकाश चंद्रशेखर पाटिल, पुणे। मैं जो कुछ धार्मिक विधि करता हूँ या चरण विधि पढ़ता हूँ, तो उसका पुण्य मुझे मेरे फैमिली को बांटने की इच्छा रहती है, तो वो ऐसा हो सकता है क्या? एक्चुअली पुण्य जाता नहीं है, पर आप उनको दखल नहीं करते हो, बहुत बड़ी शांति उनको मिलेगी। सही समझ में आया? आप उनके दोष नहीं निकालते, उनको दुख नहीं देते हो, तो उनको बहुत शांति रहेगी। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं चलो पुचरण विधि की 10 पुण्य कमाया तो 3 मेरी वाइफ को दे दूँ, 2 मेरे बच्चे को दे दूँ, 5 मेरे पास रखो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, वो जो बोलेंगे कि नहीं ये चरण विधि करते बहुत अच्छा है, हमसे नहीं हो पाती है, कितना अच्छा करते, तो सद्भावना से उनको पुण्य मिलेगा, और उनकी भावना से उनको पुण्य मिलेगा, और हमारी भावना से हमें पुण्य मिलता है, पुण्य का बंटवारा हो नहीं पाता है। समझ में आया? आप दान देते हो 5,000 का, तो वाइफ बोले नहीं देना ही चाहिए, तो अनुमोदना का पुण्य मिलेगा उसको, ये बस समझते नहीं, घर में खाने के लिए पैसे नहीं है बरोबर, दान देने मान खाते हैं ऐसे वैसे, हमारी गलती निकालेंगे तो पाप बन जाएगा उनको।
और आप भी, तुझे जो बोलना है मैं तो देने वाला हूँ, क्या करेगी तू? तो आपको पुण्य के बदले पाप बन जाएगा। नहीं नहीं, समाधान पूर्वक आगे बढ़ो। दूसरे को, एक दूसरे को दुख दिया वही पाप का बीज गिरता है, किसी को दुख नहीं दिया और सुख दिया तो पुण्य मिलेगा। दुख देने का समाधान करके सॉल्यूशन का दुख नहीं देना है। और एक छोटी सी मांग थी पूज्य श्री, मेरा एक बच्चा ना समझ है, वो अडालज में अभी जो 111वीं जन्म जयंती है वो 32 बरस का है, उसको आपके चरणों में दो बार मैं लेके आया था, उसको आप शुभाशीर्वाद देने की कृपा करें। हाँ, वो खुद होकर मैं अडालज में जन्म जयंती के लिए वो बोल सकता है, सुन सकता है। हाँ, तो 10 मिनट उसको रोज 15 मिनट असीम जय जयकार कराओ, आरती कराओ, और दादा भगवान के असीम जयकार करेगा तो आवरण टूटेंगे और वो शक्ति बढ़ेगी उसकी। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। क्या नाम आपका? ओ, विचार बहुत आते हैं मुझे। क्या नाम आपका? शीला जैन। विचार आते हैं, किसको आते हैं? शीला को। हाँ, तो आपको क्या दुखी होने का काम है? आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ, ये जितना मन का धंधा है विचार करने का, जैसे कान का धंधा सुनने का है, नहीं कोई यहाँ कुछ बॉटल गिराएगा फूटेगा तो कान में आवाज़ आएगा कि नहीं? तो सत्संग सुनने के टाइम दूसरा भी आवाज़ आता, देखो पीछे बच्चे लोग आवाज़ करते तो हमारे कान में आवाज़ आता है। तो कान का धर्म है, आँख का धर्म देखना है, ऐसे मन का धर्म है विचार करना, अपना धर्म है जानना। जैसे पंखा फास्ट घूमता है, पंखा स्लो हो गया, अभी पंखा बंद हो गया, हम देखने का है कि ये चालू है बंद है। आशीर्वाद दे दीजिए, मैं जन्म मरण से छुटकारा। हाँ, ये 5 आज्ञा से ही उसका फल आएगा, जन्म मरण से छुटकारा। मालती बेंगलोर। ये डिस्चार्ज पाव में नेगेटिव हो गए तो प्रतिक्रमण करते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव हो गए तो अच्छा लगता है, ऐसे हो गए तो क्या करना है? जुदा रखना है, मालती को फायदा हुआ है। देखो मालती को बताने का, आपने पॉजिटिव रहा, आप पॉजिटिव रहे तो कितना पॉजिटिव से आनंद भी हुआ, सबको भी शांति रही। देखो ऐसा ध्यान रखना, पॉजिटिव में रहो, नेगेटिव में देखो दुखी भी होते हैं, दूसरे को भी दुख पहुंचता है। समझाने का उस टाइम पे नोटिस होएगा बुद्धि को भी कि नहीं, पॉजिटिव रहने जैसा है, अनुभव होगा